सी मान रखो न्यूका एच सी अपॉन लैम्बडा और यह जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा नोट। एच सी इसमें कॉमन आ रहा है एक बटा दो एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर इसमें एच सी लो कॉमन इधर क्या बचेगा वन अपॉन लैम्बडा और इधर वन माइनस लैम्बडा नोट। इन दोनों का लैसी लेवल होता हूं दोनों का तो एक बटा दो एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर एच सी कॉमन पहले चल रहा है तो ये इधर आता है लघुत्तम लिया अपन ने लघुत्तम आ जाएगा लैम्बडा इंटू लैम्बडा नोट तो ये यहां आ जाएगा लैम्बडा नोट माइनस लैम्बडा ये आ गया। अगर हम यहां से वी मैक्स का मान निकाले तो भाई तो ये आ जाएगा वी मैक्स स्क्वायर बराबर देखो इसका मान निकाल रहे हैं वी मैक्स का दो इससे गुणा हो जाएगा ये जाएगा टू एच सी लैम्बडा नोट माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इनटू लैम्बडा नोट बटे में क्या जाएगा एम तो एम इसके बटे में चल जाएगा दो इससे गुणा हो गया। अगर हम यहां से वी कल यहां से वी मैक्स का मान निकाले ओनली वी मैक्स का तो ये हो जाएगा वी मैक्स बराबर क्या अंडर रूट और टू एच सी लैम्बडा नोट माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू लैम्बडा नोट ठीक है बटे में एम तो हम यहां से ये मान वी मैक्स का निकाल सकते हैं इस तरह से। और देखो ये मान हम तो ये हो गया अधिकतम वेग का सूत्र और देखो हम इस समीकरण को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी भाव में निम्नलिखित संबंध पाया जाता है तो यह संबंध क्या होता है यानी के मैक्स बराबर होता है ई वी नोट के मैक्स मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा तो हम यहां पे कर सकते हैं इधर ई वी नोट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट और यहां से अगर वी नोट का मान निकाले तो एच न्यू और दो ये दोनों को बटे में जाएगा माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई या वी नोट बराबर न्यू नोट का मान लो एच सी अपॉन लैम्बडा तो ये एच अपॉन ई इंटू न्यू और एच अपॉन ई इंटू न्यू नोट भी हो सकता है इस तरह हम इसका मान निकाल सकते हैं इस तरह से। आगे हम चाहें तो न्यू और न्यू नोट के मान भी रख सकते हैं सी बोले वन नोट से हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा समूह था बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।